माँ जी अभी पुष्पांजलि की तैयारी कर लें। हाँ हाँ, ये बड़ी बहू कहाँ चली गई? पुष्पांजलि नहीं देनी? क्या पता माँ, पूजा के दिन पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ आप चुप रहिए ना, मैं देखती हूँ। अरे सुनो, हुआ क्या है? नॉर्मल किट पे मुझे नहीं पता। इतना मिस कर रहे हो मुझे, घर पहुंचते ही फोन यही रुक जाते। सुनो नीना प्लीज, थोड़ा सीरियस हो जाओ, एक इम्पोर्टेंट बात है। यस बेबी। किसी ने हमारा वीडियो किया है, तुम्हारा और मेरा, तुम्हारे बेडरूम में। व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? नंदिता को किसी ने वो वीडियो भेजा है। देयर वाज समवन इन योर बेडरूम, डैम इट। बेडरूम में? शिट, व्हाट इफ ही इज स्टिल हियर? मुझे डर लग रहा है, तुम प्लीज जल्दी आओ। प्लीज दिमाग शांत रखो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ एज सून एज पॉसिबल, जस्ट बी सेफ ओके, जस्ट वेट फॉर मी, बाय। ये नथनी बरामदे में पड़ी थी, बड़ी भाभी की लगती है, नाक से गिर गई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, आप इसे रख लीजिए, पुष्पांजलि के वक्त ले लूंगी। और बड़ी भाभी को कहीं देखा? नहीं नहीं देखा, कमरे में नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। बंदूक पुष्प शंकाशे त्रिपुरे भायो नाशिनी भाग्यदायो संपत्पने नमस्ते। क्या हो गया? Why are you crying? भाभी क्या हुआ मुझे बताइए ना। अनन्य ने मुझे धोखा दिया है सुवर्णा, कुछ समझ नहीं आता। He's having an affair. अजीब बात है, एक अनजान आदमी घर में घुसाया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला। I can't fucking think. मैं हमेशा कहती हूँ दरवाजा बंद रखना, दरवाजा बंद रखना। अब खड़ी क्यों हो? अपना काम करो, कौन आता है कौन जाता है इन सब का ध्यान रखना। Bunch of fucking idiots. Oh, please, तुम शांत हो जाओ। Let's just think clearly. वो आदमी घर में घुसा कैसे? How is it possible? बेडरूम में घुस के हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया और हमें पता ही नहीं चला। We couldn't feel it. Exactly. और किसने भेजा वो वीडियो? भाभी, आर यू श्योर दिस इज बड़े भैया? मैं उसे नहीं पहचानूंगी। उसने ऐसा क्यों किया सुवर्णा? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ? भाभी प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, इस तरह मत रोइए प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो वीडियो भेज कौन सकता है। Did you appoint someone? ये दरवाजा क्या रात को खुला था? ये लो, तुम अपने हाथों से दरवाजा बंद क्यों नहीं करती? ये भी मेरी गलती है। मतलब you have been followed, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़े हैं। Why are you blaming me? मैंने क्यों दरवाजा बंद किया? नंदिता? हाँ नंदिता, of course नंदिता। नंदिता किसी और कौन हो सकता है बोलो? तुमने कहा था your wife trusts you like hell। अरे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी? तुम ही बोलो ना, मेरे बेडरूम में घुस के हमारा वीडियो बना लिया और कौन हो सकता है तुम्हारी बीवी के सिवा? Shit. उसके हाथों सबूत लग गए हैं, यानी सारे घर वालों को बता देगी। Fuck. प्रदीप, शादी की अंगूठी भी उतार दी उसने। Bloody bitch. नीचे जाओ, जाके खा लो। मैं जरूर खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे माँ,
पूरा घर छान मारा, भैया तो कहीं नहीं है, शायद बाहर गए होंगे। ऐसा कलेश शुरू कर दिया बड़ी बहू कि मेरा बेटा घर से ही चला गया। पूजा के दिन तुमने ये करके ठीक नहीं किया। बाहर क्या गुल खिलाने जाता है ये पूजा अपने लाडले बेटे से? जाएगा ही ना, क्यों ना जाए, घर में इतनी कड़वाहट मिलेगी तो बाहर तो जाएगा ना। ओह ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, पति को पल्लू से बांध कर रखना पड़ता है, ये तो आता नहीं जब देखो अशांति, बाहर ही दिल लगाएगा ना। प्लीज चुप हो जाइए आप लोग, बड़ी भाभी पुष्पांजलि का वक्त हो गया है, चलिए। बाप रे, जबान कितनी तेज चलती है इनकी। मुझे यहाँ क्यों लेके आई, मैं सब बताने वाली थी। शांत हो जाइए भाभी, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों ताने मारती है, मैं कहीं जा नहीं सकती इसलिए। आप भी भाभी। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया था, देखा मैं किस हाल में जी रही हूँ। ये सब बातें छोड़िए, ये सोचिए कि वीडियो किसने भेजा होगा। अच्छा बड़ी भाभी, आपका कोई वेल विशर है क्या? मेरा वेल विशर? जो ये ना चाहता हो कि बड़े भैया आपको धोखा दे, इसलिए आपको वीडियो भेजा हो। भला मेरा कौन वेल विशर है? हाँ यानी जो आपका भला चाहता हो। एक बात बताइए भाभी, आपका कोई चाहने वाला तो क्या? नहीं है? याद रहेगा ना? हो जाए तो खबर करना। किससे बात हो रही थी? हाँ वो भी इतनी धीरे धीरे। एक कॉल से इतने जेलस? जेलस क्यों ना हूँ, मेरे साथ अफेयर करते करते किसी के साथ टू टाइमिंग कर रही हो, हो भी तो सकता है। सब तुम्हारी तरह तो नहीं है ना। बोलो ना कौन था। पोसेसिव। बोलो ना। मेरे ऑफिस का कलीग डीके, एक काम की बात कहना भूल गई थी, वही बता रही थी। ऑफिस का कलीग समझे? काम की बात? छुट्टी वाले दिन? पूजा के दिनों में तुम ऑफ। ये क्या, तुमने ये अंगूठी क्यों पहनी? निकालो निकालो इसे। क्यों नंदिता, तो अब सब कुछ जान ही गई है, उसने तो उतार दिया, तो अब मैं ना पहनूं तो इसे और किसे दोगे? नीना प्लीज और कॉम्प्लिकेट मत करो इस मामले को, छोड़ो ये सब। देखो गुस्से में आकर उसने उतार दी अंगूठी, मैं समझा बुझा कर उसे फिर मना लूंगा। क्यों क्यों मनाओगे उसे, वो सब जान गई है। एंड नाउ इफ शी वांट्स टू लीव, लेट हर लीव। मैं वो शैलेजा मजूमदार, इस घर की बड़ी बेटी। अरे चुप रहो ना, मुझे बात तो करने दो। क्या कह रही थी? ए मुनिया चलो अंदर जाओ, मेहमान आए उनसे मिलो। नहीं दत्त, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, एक और अनार जलाइए ना, कितना बढ़िया लग रहा है। माता का भोग बड़ी बहू बनाती है, यही इस घर का। ये लो आ गई, आओ आओ आओ, यही है हमारे घर की बड़ी बहू, समझी, नंदिता रॉय चौधरी, घर की बड़ी बहू, बाकी का इंटरव्यू यही देंगी, सब समझ के कहना। ये मुझे तो जी, आप बोलो, बोलो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं घर की बड़ी बहू नंदिता रॉय चौधरी। नमस्ते, आप जरा लेंस में देखिए। अच्छा मैंने सुना है कि इस घर में माता का भोग बड़ी बहू ही बनाती है, तो सप्तमी में कौन सा भोग बनता है? सुबह घी भात, 5 किस्म की सब्जियां, पूरी। मम्मी के लिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूजा के चारों दिन नथ पहनने की प्रथा है, सिर्फ सप्तमी में ही नहीं। मम्मा क्या? अरे कट कट कट, सॉरी। क्या है, क्या हुआ? एक आदमी ने इसे आपको देने के लिए कहा,
एक आदमी? कौन आदमी? अरे वो तो चला गया। उसे और मत समझाओ, जाने दो। Let us be happy forever. I have been waiting for this for too long. Baby, let's get divorced. Divorce? Yes. Why not? और तुम नहीं दोगे तो वो तुम्हें डिवोर्स देगी। वेट फॉर बेबी। बेबी लिसन, आई हैव गॉट किड्स। आई कैन आल्सो गिव यू किड्स। मुनिया, मम्मी ने कहा है ना अनजाने लोगों से बात नहीं करना। बात कहा की मैंने, वो बस ये सब देकर चला गया बाइक लेकर। उस आदमी का चेहरा कैसा दिखता है? उफ, चेहरा थोड़ी देखा, हेलमेट पहना था, ये सब देखकर चला गया। मैं जा रही हूँ। फिर से बाइक पे हेलमेट वाला आदमी। खबर मिल गई, खबर मिल गई। आपके लिए गिफ्ट आया है और साथ में फूल भी। क्या बात है भाभी, भैया ने गिफ्ट भेजा है क्या? अरे चलिए सब लोग बैठे देखने के लिए, चलिए ना। अरे चलो चलो चलो। भैया ने क्या कमाल का सरप्राइज दिया ना भाभी। Smile, भाभी। भैया कितने रोमांटिक है ना बड़ी भाभी, so sweet। गिफ्ट देकर सॉरी बोल रहे हैं। वो इतने छुपे रुस्तम है, ये पता नहीं था। बीवी को सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? देखा ना। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि बीवी के मामले में बिग ब्रदर की किस्मत अच्छी है। ओ बड़ी भाभी खोलो ना, देखो ना क्या गिफ्ट दिया है। खोलो खोलो। बड़ी भाभी देखो, यू आर सो लकी, हीरे की अंगूठी, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देखिए है ना भैया, आपको रिश्वत दे रहे हैं। चलो अब अंगूठी भाभी को दे भी दो, हीरे की अंगूठी है, जल्दी पहन लीजिए। पहले आपसे झगड़ा किया और अब सरप्राइज दे रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अभी आई। ओहो शर्मा के चली गई बड़ी भाभी। मैं भी आती हूँ। कितने रोमांटिक हैं। तेरी बीवी क्यों शर्मा गई बोल? क्या क्या जीजा जी आप भी हैं? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आ गई? अंगूठी छोटी है। छोटी मतलब? भैया को आपकी उंगली का नाप नहीं पता? पता है, वैसे भी मेरी शादी की अंगूठी उन्हीं के पास है। ऐसी गलती वो नहीं करेंगे, ये उन्होंने नहीं भेजी है। भैया ने नहीं भेजी? फिर इतनी कीमती अंगूठी भेजेगा कौन? कुछ बोलिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने भेजी होगी? और वैसे भी क्या भाभी, ये डिजाइन कुछ जाना पहचाना है। इन फूलों को कहीं तो देखा है मैंने, पर कहां? अरे बिग ब्रदर, ये क्या तुम लोग चौकीदार की तरह क्यों बैठे हो यहाँ? हाँ क्या हुआ? अच्छा ये क्या तुमने सही किया? आप ऐसा कर पाए बड़े भैया? मतलब योर सीक्रेट इज आउट भैया। किसने कहा? नंदिता ने? प्यार क्या छिपा है छिपता है बिग ब्रदर। उसने सबको बता दिया? सबको नहीं बताया, वैसे बताना चाहिए था। हीरे की अंगूठी और किड्स। अच्छा भैया मुझे भी एक हीरे का झुमका दो, मैं कहती हूँ। मैंने क्या दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया। तुम ना बड़े रोमांटिक हो बिग ब्रदर, बीवी को मनाने के लिए हीरे की अंगूठी, फूल। हाँ हीरे की अंगूठी मैंने? अरे भैया आप ही ने तो भेजा ना, और अब अनजान बन रहे। नहीं मैंने 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 कुछ नहीं भेजा, वो भी हीरे की अंगूठी। अरे वाह, फिर भाभी के लिए जो हीरे की अंगूठी और फूल आए हैं वो किसने भेजे? वो तो तेरी भाभी को पता होगा। अरे सुन, एक बात कहता हूँ, उसी ने भेजा है,
और अभी छिपा रहा है। क्यों? पता है क्यों? क्यों? ईगो, ईगो, इसे कहते हैं ईगो। भाभी, भैया आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अंगूठी उन्होंने नहीं भेजी। बताया था ना, उन्होंने नहीं भेजी, वरना नाप गलत नहीं होता। तो इतनी कीमती अंगूठी किसने भेजी होगी? वक्त मिल गया तुम्हें? जरा सुनो, किसने भेजी वो हीरे की अंगूठी? कब से चल रहा है ये सब? नहीं जानती। नहीं जानती? बॉयफ्रेंड ने हीरे की अंगूठी भेजी और तुम नहीं जानती? या कि मुझसे झूठ बोल रही हो? कौन है वो? केस के साथ चल रहा है? हाँ, बेशरम, बेहया, इतना प्यार कि घर तक गिफ्ट भेज रहा है। ची 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 ची। ऊपर से मुझे अक्यूज कर रही थी तुम, हाँ? डिटेक्टिव लगाया है? उल्टा कहीं की? शट अप, जस्ट शट अप। अब और कुछ मत कहना। सबको अपने जैसा समझा है तुमने, चरित्रहीन लोफर। लोफर? मैं लोफर हूँ? हाँ, तुम बाहर मुंह काला करके आ रही हो और मैं लोफर हूँ? हाथ मत लगाना मुझे। क्यों, हाथ क्यों ना लगाऊं? ओह, मेरा चुना अच्छा नहीं लगता? किसका चुना पसंद है? जिसने अंगूठी भेजी उसका? जैसा गंदा स्वभाव, वैसी गंदी सोच। तुम्हारे साथ रहने में ही मुझे घिन आती है। जाओ उसके पास जिसके साथ रात गुजारते हो, जाओ उसके पास। मिठाई खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है। भाभी, रो रो के आपने क्या हाल बना लिया है, देखिए जरा। सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया आपने। ऐसा करेंगी तो कैसे चलेगा भाभी? सब तो ज्यों का त्यों ही है, बरना कुछ नहीं बदला है। तू सोने चली जा। मैं चली जाऊंगी भाभी, लेकिन पहले आप जाइए, बहुत रात हो गई है। उस कमरे में जाने का मन नहीं करता, वरना अनन्या के साथ एक बिस्तर पे। टॉर्चर कर रहा है।